जो कैंसर के जो पेशेंट्स हैं वो ओवरऑल पॉपुलेशन में ही इंक्रीज हो रहे हैं। उसका एक कारण ये भी हो सकता है कि पहले से बेहतर जो इन्वेस्टिगेशन उपलब्ध हैं, पहले से बेहतर जो फैसिलिटीज उपलब्ध हैं। तो लेकिन तीन तरह के कैंसर जो हैं वो आज विश्व कैंसर दिवस के उसमें मैं बताना चाहूँगा कि जैसे मुख का कैंसर है, मुँह का कैंसर जिसको हम कहते हैं, मेल्स में बहुत कॉमन है, और लेडीज़ में गर्भाशय का जो कैंसर है उसके बच्चे दानी के मुँह का जो कैंसर होता है, और ब्रेस्ट कैंसर, ये तीन के ऊपर हमारा स्पेसिफिक ध्यान रहता है। हालांकि सभी डॉक्टर्स जो हैं सभी डिपार्टमेंट्स में अपने अपने जो एरियाज़ के अपने अपने अंगों के कैंसर देखने में माहिर हैं, लेकिन इसके अलावा तीन डॉक्टर्स हमारे यहाँ ऐसे भी पोस्टेड हैं जो जिन्होंने MD जो है रेडियोथेरेपी यानी कैंसर विशेषज्ञ इस हॉस्पिटल में है। तो जहाँ तक मुंह का कैंसर का सवाल है, उसमें एक आपको भी पता है कि इसके अंदर जो मेन कल्प्रिट होता है वो टोबैको सेविंग होती है, जिसे तम्बाकू कहते हैं। तो चाहे वो बीड़ी के रूप में हो, सिगरेट के रूप में हो, या रॉ टोबैको को च्यू किया जाए। दूसरा कि कुछ प्रकार की इन्फेक्शन होती हैं जिसके अंदर लेडीज़ के अंदर गर्भाशय का कैंसर होने की संभावना रहती है। तो हम सभी डिपार्टमेंट्स जैसे गाइनी का डिपार्टमेंट है, INT का है, या डेंटल डिपार्टमेंट है, उसमें डॉक्टर्स को स्पेशल उनको बताया गया है, और वो हर पेशेंट को इसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखते भी हैं कि कहीं पे कोई गांठ ना हो, कहीं कोई रसौली ना हो, कहीं पे मुंह का कोई छाला ना हो जिसका ट्रीटमेंट लेने के बाद भी उसका निदान नहीं हो पा रहा है। तो उस तरफ ज़्यादा ध्यान देके हम ट्रीटमेंट करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध हैं, कीमोथेरेपी उपलब्ध है, डॉक्टर विकास गुप्ता हमारे पास इस चीज़ के एक्सपर्ट हैं, और वो काफ़ी पेशेंट्स की जो है कीमोथेरेपी यहाँ पे करते हैं। इसके अलावा आप जानती हैं कि जो TCC जो टर्शरी केयर सेंटर है, उसमें से तीन में से दो मशीनें जो हमारी कंप्लीट, उसके सभी प्रकार के टेस्ट हो चुके हैं, और लाइसेंस टू ऑपरेट एक का मिल गया, एक का मिलना बाकी है। लेकिन जो ब्रेकीथेरेपी है, जो एक थर्ड मशीन है, उसके अंदर एक रेडियो एक्टिव सोर्स आना होता है, Iridium-192। तो ये बाहर से आना होता है, ये कस्टम्स पे आ गया है और एयरपोर्ट पे पड़ा है। तो कल ही भारत सरकार के द्वारा हमें जो आदेश प्राप्त हुए थे कि जो डॉक्यूमेंट्स कस्टम क्लियरेंस के लिए भेजने थे, वो हमने सभी डॉक्यूमेंट साइन करके हाइट्स कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव को दे दिए हैं। तो बहुत जल्दी वो सोर्स भी यहाँ पे पहुँच कितने जाएगा। लोगों को फायदा हो रहा है सर? देखिए, जो पहले तो इसका डायग्नोज ही नहीं होता था, और डायग्नोज होता भी था तो बहुत लेट होता था, और इसकी सुविधाएं सिर्फ एक दो चुनिंदा हॉस्पिटल्स में ही उपलब्ध थी। लेकिन सभी प्रकार की मशीनें यहाँ पे होने के कारण और सभी डॉक्टर्स की, विशेषज्ञ डॉक्टर्स की उपलब्ध होने के कारण अब काफ़ी केसेस पहले से आ रहे हैं। सर कितनी OPD? देखिए, इसके बारे में सबसे पहले तो प्रिवेंशन ही सबसे बेटर है कि जो अपना ध्यान रखें, अच्छा खाना खाएं, टोबैको बिल्कुल ना च्यू करें, एल्कोहल ना कर लें, और जो फास्ट फूड है, जंक फूड है, उसका भी बहुत कम मात्रा में ही सेवन करना चाहिए। अगर वैसे तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी जितना हो सके उसको अवॉइड करना चाहिए। हेल्दी लाइफ स्टाइल अपनाएं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल और फ्रूट्स वगैरह खाएं, सैर करें। लेकिन इसके बावजूद भी अगर किसी को भी कहीं भी बॉडी में कोई भी एबनॉर्मल चीज़ लगती है, तो इमिजिएटली हमारे पास आएँ। हर प्रकार का डॉक्टर, हर प्रकार की जो सुविधा है वो यहाँ पे उपलब्ध है।